अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। STMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट एसेस। मायसेल्फ हिना मिस स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3 कोर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। इट इज़ ऑफ सेमेस्टर 2। ओके, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। देयर वाज वंस अ किंग हु लिव्ड इन अ ग्रैंड पैलेस। एक राजा था जो एक भव्य महल में रहता था। देयर वाज अ रिवर at a distance where the village washerman would wash clothes daily। वहाँ पर एक नदी थी थोड़ी दूरी पर, जहाँ पर एक washerman धोबी जो था वो regularly कपड़े धोता था। One day the washerman and his wife were washing clothes till late and it grew dark while they were returning home। एक दिन धोबी और उसकी बीवी दोनों जो है कपड़े धो रहे थे और बहुत लेट हो गया, और जब वो रिटर्न घर जा रहे थे तब बहुत रात हो चुकी थी। सडनली अचानक अ बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस विच हिट द वॉशरमैन किलिंग हिम ऑन द स्पॉट। अचानक जो है राजा के महल की तरफ से एक गोली आई, बंदूक की गोली होती है ना बुलेट, वो आई और धोबी को लग गई और धोबी उसी जगह पर मर गया। यू कैन सी द फोटो, कोर्ट की फ़ोटो है, राज से बहुत ही है इस तरह। नाउ दिस फोटो इज शोइंग दैट ट्रू जजमेंट ऑन द नेक्स्ट डे, जो कि वॉशरमैन मर गया उसके दूसरे दिन। द वॉशरमैन्स वाइफ वेंट टू द कोर्ट टू सीक जस्टिस। वॉशरमैन की वाइफ जो है वो कोर्ट जाती है राजा के पास इंसाफ के लिए। द किंग लिसन्ड टू हर केयरफुली। राजा जो है वो उसे ध्यान से सुनता है। शी सेड द बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस ओनली। वो कहती है कि ये जो बुलेट आई, गोली जो आई, वो डायरेक्टली तुम्हारे महल से ही आई। द किंग थॉट ओवर द मैटर फॉर अ वाइल एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे। किंग ने पूरा जो मैटर है वो देखा ध्यान से और दूसरे दिन उसे बुलाया। व्हेन द किंग इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, जब राजा ने उसमें इन्वेस्टिगेट किया मैटर को, ही फाउंड आउट दैट इट वाज द क्वीन हु हैड फायर्ड द शॉट। जब उसने पता लगाया तो पता चला कि रानी थी जिसने वो गोली चलाई थी। शी वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग बट हैड नो इंटेंशंस ऑफ किलिंग द वॉशरमैन। रानी को शिकार का बहुत शौक था लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था वॉशरमैन को मारने का। उसने रानी ने जो है वो अपना शौक पूरा करने के लिए शिकार या कुछ किया होगा और इस वजह से जो है वो बुलेट उनको लग गई। द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग इंक्लूडिंग द वॉशर वुमन वेंट टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन धोबी की बीवी और गांव के दूसरे सब लोग कोर्ट में गए। शी आज द किंग टू गिव हर जस्टिस। उसने राजा से अपना इंसाफ मांगा। ही री अश्योर्ड हर सेइंग आई विल इंश्योर दैट यू गेट जस्टिस। वो उसे वापस दिलासा देता है कि मैं बराबर तहकीक करके तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। एवरीबडी वॉज लिसनिंग टू दिस केयरफुली। सब लोग जो है इसे गौर से सुन रहे थे। नाउ हियर ऑन सेकेंड पेज गॉडेस ऑफ जस्टिस 3.2। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ड्राइंग दिया है गॉडेस ऑफ जस्टिस। ये जो है हर अदालत में जो है हम देखते हैं। ऑब्जर्व एंड राइट व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस आइडल। इस मूर्ति के अंदर क्या स्पेशल है। व्हाट डज इट सिम्बोलाइज। ये क्या कहलाता है। तो ये न्याय की मूर्ति कहलाती है। वाई इज़ अ स्केल कैप्ट इन द हैंड। हाथ में जो ये तराजू क्यों दिया है। व्हाट डज द स्वॉर्ड सिम्बोलाइज इन द हैंड्स ऑफ द आइडल। आइडल के हाथ में ये जो तलवार है वो क्या सिंबल करती है। व्हाट इज़ द आइडल नोन एज। ये क्या कहलाते हैं, न्याय मूर्ति। और हम समझ सकते हैं कि इसका ये मतलब है कि इंसाफ किया जाए। अगर बीच में कोई चीज़ आड़े आ रही हो इंसाफ देने के वक्त, तो उसे जो है स्वॉर्ड का मीनिंग है कि उसे काट दिया जाए, दूर कर दिया जाए। वाई इज़ द स्केल इन द हैंड ऑफ द आइडल बैलेंस्ड। और जो हाथ में जो तराजू है वो बैलेंस की हुई, यानी कि इंसाफ बराबर किया जाए। वाई इज़ द गॉडेस ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड। और जस्टिस को ब्लाइंड फोल्ड क्यों, आँखों पे पट्टी क्यों बांधी गई है। क्योंकि जब इंसाफ देने का वक्त आता है तो ये राजा के लिए देखो कश्मकश का वक्त है। क्या वो अपनी रानी को बचाए कि फिर वो धोबी के साथ इंसाफ करे, ठीक है ना। तो ये कश्मकश का जब वक्त होता है तो ये जो है आंखों पर पट्टी लगाकर, यानी कि सही सही जो इंसाफ है वही करना पड़ता है।
वाई डज शी नॉट गिव अ रॉन्ग वर्डिट, वो गलत जो है इंसाफ और क्यों नहीं देती, ठीक है। रीड एंड अंडरस्टैंड, आर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी जो है लोकशाही देश है। द जुडिशियरी ऑफ आर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड, हमारा जो कंट्री का जुडिशियरी है, जो न्याय का इंसाफ है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दोज हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉ आर कंसिडर्ड एज क्रिमिनल, जो भी कायदे के हिसाब से नहीं चले और कायदे को फॉलो नहीं करते वो क्रिमिनल होते हैं। सच क्रिमिनल्स डिप्राइव पीपल ऑफ देयर राइट्स, और ऐसे लोग जो है वो लोगों के हक मारते हैं। आर कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ द जुडिशियरी एट ऑल लेवल्स, हमारी कंट्री में जुडिशियरी का हर लेवल पर जो है काम दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है लोगों को। देर आर थ्री लेवल्स ऑफ कोर्ट, तालुका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, तीन लेवल के कोर्ट है। दिस कोर्ट्स आर नोन एज तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जजमेंट्स आर पास्ड ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, सिविल और क्रिमिनल केसेस पर जजमेंट पास किए जाते हैं। फॉर द जुडिशियरी टू फंक्शन क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली, लोक अदालत्स हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस, तो इंसाफ जो है अच्छे से और पूरे तरीके से मिल जाए और ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़े, इसलिए लोगों के लिए, लोक सेवा के लिए लोकसभा लोक अदालत जो है वो बनाई गई है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद तालुका कोर्ट। और हमने पिछले जो है चैप्टर्स में देखा था कि हाई कोर्ट से भी ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नाउ हियर इट इज़ गिवन, रीड एंड अंडरस्टैंड, द कोर्ट एट द लोअर लेवल इज तालुका कोर्ट, सच कोर्ट्स आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अबव तालुका कोर्ट्स, द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द हाई कोर्ट। तो इसको शॉर्ट में अगर हम समझेंगे तो पहले तालुका कोर्ट जाना होता है, वहाँ से ना मिले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ से ना हो तो हाई कोर्ट, और वहाँ से भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एकदम लास्ट, उसके बाद कुछ नहीं, यानी कि इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो वो फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। सो हियर 3.3 इज़ द गुजरात हाई कोर्ट, ये गुजरात हाई कोर्ट की फ़ोटो है, ठीक है। नाउ ये जो है हमने राजा वाली कहानी देख ली, और इससे हमने क्या आइडिया लिया कि उसे ये नहीं देखना चाहिए कि रानी है तो माफ़ कर दूँ, बल्कि उसे क्या है कि इंसाफ करना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हंसाबाज लैंड, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।